इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप जो है पोको के मोबाइल फ़ोन में कॉलिंग सिम कार्ड को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कैसे चेंज कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों आप कौन से सिम कार्ड से कॉल करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप चेंज कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप जाएंगे पोको मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में आने पर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सिम वन सिम टू देखने को मिल जाएगा अगर आपने अपने फ़ोन में दो सिम लगा रखा है। और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिफॉल्ट फॉर कॉल का। तो अगर आप सिम वन से कॉलिंग करना चाहते हैं तो आप सिम वन को सेलेक्ट रखेंगे। और तो इससे क्या होगा कि अगर आप कोई भी नंबर जो है डायल करेंगे, जैसे देखिए मैं यहाँ से 198 डायल करता हूँ और उसके बाद हम यहाँ जैसे कॉल बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये कॉल जो है हमारे सिम वन से जो है लग जाएगा। और अगर आप सिम टू से कॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ सिम टू को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर हम कोई भी नंबर डायल करेंगे और कॉल बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारा कॉल जो है सिम टू से लग जाएगा। और दोस्तों यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ एक आइकन मिल जाएगा, तो जब आप इसको सिलेक्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि दोस्तों जब आप कॉल करेंगे, कॉल करने के लिए नंबर डायल करके जब आप जो है कॉल बटन दबाएंगे तो आपको दोनों सिम से कॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे देखिए 198 डायल है, अब मैं यहाँ कॉल बटन पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों सिम से कॉल करने का ऑप्शन हमारे फोन में यहां पर आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है पोको के मोबाइल फोन में कॉलिंग सिम कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।